बिहार में मौसम लगातार सर्द है, शीतलहर का प्रकोप जारी है, लेकिन इस बीच सियासत अचानक से गर्म हो गई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक से अपने मुख्यमंत्री आवास से निकले और राजभवन के अंदर गए। राजभवन में तकरीबन 40 मिनट तक राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट के मंत्री, वित्त मंत्री और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। दोनों की मुलाकात, मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात, तकरीबन 40 मिनट तक चली। और इस बीच जब ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार जो हैं वो अचानक से राजभवन पहुंचे हैं, तो यहाँ गहमागहमी मच गई। ये दिखाते हैं आपको, ये राजेंद्र चौक है जो मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बीच का हिस्सा है, और यहाँ पर लगातार कई राजनीतिक गतिविधियों का ये गोलंबर गवाह रहा है। नीतीश कुमार जब 40 मिनट की मुलाकात के बाद निकले तो सीधे मुख्यमंत्री आवास चले गए, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, ना तो उनके साथ मौजूद मंत्री विजय चौधरी ने ही मीडिया से कोई बात की। अब ऐसे में लगातार सियासी अटकलें जो हैं वो लग रही हैं कि आखिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात के पीछे मकसद क्या रहा। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों चर्चा चल रही है कि वो एक बार फिर से एनडीए के करीब आ सकते हैं या एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी 2022 के बाद जिस तल्खी वाले मूड में नजर आई, जिस तरह के बयान बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने दिए, अमित शाह का बयान और बाकी नेताओं का बयान, वो लगातार ये रहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद है। लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अगर कोई प्रस्ताव सामने से आता है तो विचार होगा। दरअसल सवाल था उस इंटरव्यू में अमित शाह से कि क्या नीतीश कुमार या फिर जो पुराने साथी हैं बीजेपी के, अगर वो वापसी चाहते हैं तो क्या उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। अमित शाह ने कहा कि या और तो पे बात नहीं होती है, यानी अगर और मगर पे बात नहीं होती है, अगर सामने से प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अब ये अपने आप में बीजेपी की तरफ से थोड़ा नरमी वाला बयान है नीतीश कुमार को लेकर के। हाल के दिनों में जो जेडीयू के तेवर हैं वो भी बीजेपी पर थोड़े कम आक्रामक दिखते हैं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी नीतीश की बजाय लालू यादव पे हमला बोलना शुरू रखा है। मतलब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब टारगेट पर नजर नहीं आते हैं बीजेपी के। अब ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर अगर ये अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए का रुख कर सकते हैं, और उस बीच अगर नीतीश अचानक से चले जाते हैं राजभवन, तो जाहिर है सियासी हवा को और बल मिलता है, चर्चाओं को और बल मिलता है। नीतीश कुमार से 40 मिनट की मुलाकात जो हुई राज्यपाल की, उसमें कौन सी बातों पर चर्चा हुई, फिलहाल ये जानकारी तो सामने नहीं आई है। लेकिन जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर जरूर चर्चा हुई होगी, और साथ ही साथ जो आगामी 5 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो 29 फरवरी तक चलेगा, उस सत्र को लेकर भी अंदर चर्चा हुई है। अब चर्चा जो है वो सियासी है, क्या वाकई बिहार में कोई सियासी खेल चल रहा है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं या ऐसे सवाल हैं जिन पर फिलहाल बहुत क्लियरिटी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार कि राजनीति को आप याद करिए, 2017 में नीतीश जिस तरह पाला बदल के गए थे महागठबंधन छोड़ के बीजेपी के साथ, फिर 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ आए, नीतीश ने अपनी अप्रत्याशित राजनीति से समय समय पे सबको चौंकाया है। अब ऐसे में जो आज का घटनाक्रम है वो इस अटकल को और बल दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है बिहार की सियासत में। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कल ये दावा किया गया कि नीतीश कुमार 30 जनवरी को राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होंगे, और नीतीश कुमार ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके बताया कि राहुल गांधी 29 जनवरी को बिहार में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पहुंचेंगे। किशनगंज में उनकी 29 जनवरी को सभा होगी, पूर्णिया में दूसरी जनसभा होगी 30 जनवरी को, और 30 जनवरी की जनसभा में नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। अब कांग्रेस की तरफ से कल ये दावा किया जाता है, और आज जेडीयू की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार को अब तक फॉर्मल इनविटेशन, यानी जो औपचारिक आमंत्रण होता है, वो ही नहीं मिला है। जेडीयू ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया है,
जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो आमंत्रित नहीं किए गए हैं फॉर्मल तरीके से अब तक, तो कांग्रेस पता नहीं कैसे ऐसे दावे कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच नीतीश कुमार के उनके साथ जनसभा में शामिल होने को लेकर के कांग्रेस के दावे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू उसे खारिज कर रहा है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार की सियासत में जरूर शायद कुछ होने वाला है। नीतीश कब क्या फैसला करें ये कोई नहीं जानता। नीतीश जो दाएं हाथ से करते हैं उसे बाएं हाथ को जानकारी नहीं होती है, इसीलिए उन्हें सबसे अप्रत्याशित राजनेता भी कहा जाता है। और इसको लेके इस वक्त सिर्फ हलचल बीजेपी या जेडीयू के अंदर नहीं है, आरजेडी के अंदर भी सन्नाटा है। तो क्या वाकई नीतीश की ये मुलाकात राजभवन में कोई खास मुलाकात थी? क्या वाकई बिहार की सियासत में आगे जो होने वाला है उसके लिए कोई पटकथा रची जाने लगी है? तमाम खबरें, तमाम अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बिहार की सियासत में क्या हलचल है वो बताते रहेंगे। शशिभूषण, बिहार तक, पटना।